पीपल वो प्रोडक्ट्स के लिए पे करते हैं जो उनका प्रॉब्लम सॉल्व करता है। जो नाइस टू हैव प्रोडक्ट्स है उनके लिए लोग 10 बार सोचेंगे पे करने से पहले, लेकिन अगर आपका आप बड़ा प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो तो दे विल बी रेडी टू पे यू। डिग्री, आई कंसिडर डिग्री एज ऑलवेज एज एन बैकअप ऑप्शन, क्योंकि मुझे जो जॉब मिला वो बिकॉज ऑफ माई फ्रीलांसिंग स्किल्स एंड पाइथन स्किल्स मिला, तो डिग्री वॉज अ बैकअप ऑप्शन। तो ये सारी चीज़ें जो आपको ऑफर मिल गया था, जो आप प्रोजेक्ट्स कंप्लीट कर रहे थे, वो आप अपने कॉलेज डेज में ही कर रहे थे? आपका कॉलेज खत्म हो चुका था उसके बाद? नहीं, आई वॉज डूइंग इट व्हाइल माय कॉलेज वॉज गोइंग ऑन, सो ड्यूरिंग माय कॉलेज डेज। ओके, तो आप दोनों चीज़ें मैनेज कैसे करते थे? लाइक आप प्रोजेक्ट्स भी कंप्लीट कर रहे हैं, आप कॉलेज भी कर रहे हैं, असाइनमेंट्स भी कर ही रहे होंगे आप साथ में? मैं कॉलेज तो कर ही नहीं रहा था तो हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू दिस एपिसोड। आज के एपिसोड में हमारे साथ है स्वप्निल। स्वप्निल को उनकी रिमोट जॉब ड्यूरिंग कॉलेज डेज में ही मिल गई थी व्हाइल वर्किंग ऑन फ्रीलांसिंग प्रोजेक्ट, एंड ही ऑल्सो बिल्ड 2 SaaS प्रोडक्ट्स, एंड ही इज हियर टू गाइड यू ऑल अबाउट कि आखिर आपको कैसे रिमोट जॉब मिल सकती है व्हाइल वर्किंग ऑन फ्रीलांसिंग प्रोजेक्ट, आखिर उनको कैसे अपवर्क के थ्रू क्लाइंट्स मिलते थे, कैसे उन्होंने अपनी स्किल बिल्ड करी, SaaS प्रोडक्ट्स होते क्या हैं, और ऐसे बहुत सारी चीजें जो आपको डेफिनेटली हेल्प करने वाली हैं। सो लेट्स वेलकम स्वप्निल। हाय स्वप्निल, एंड थैंक्स फॉर एक्सेप्टिंग अवर इन्विटेशन। माय प्लेजर आंचल, थैंक्स फॉर इनवाइटिंग मी, इट्स अ प्लेजर टू बी हियर। तो स्टार्ट करते हैं कि आप जरा अपने बारे में बताइए कि आखिर आपने स्टार्टिंग कैसे की थी, फ्रीलांसिंग के बारे में आपको कैसे पता चला था, आपने कॉलेज में स्टार्ट किया था या स्कूल में? श्योर, तो अबाउट मी, आई एम स्वप्निल माने, फॉर दोज हू डोंट नो अबाउट मी, आई एम अ फुल स्टैक सॉफ्टवेयर इंजीनियर एट ग्रैब जॉब्स। आई हैव रिसेंटली गॉट दिस अपॉर्चुनिटी, आई गॉट दिस फ्रॉम फ्रीलांसिंग इटसेल्फ। मैंने फ्रीलांसिंग अराउंड फर्स्ट ईयर सेकेंड सेम में स्टार्ट की थी, एंड आई हैव बीन फ्रीलांसिंग फ्रॉम अराउंड थ्री प्लस ईयर्स, एंड my major tech stack is data extraction, web automation. Along with this, I am very much active on Twitter and LinkedIn as well. I share content every day related to the things that I learn, and I also build SaaS products. So I have launched 2 SaaS products until now. First one is Trowodoro, second one is Geto Data. To tell you a little about that, Geto Data is a tool that lets you extract data from any website with AI. So I keep building such tools and I try to make them profitable. So that's what I'm currently doing right now. तो अगर किसी को नहीं पता बिफोर स्टार्टिंग आखिर SaaS प्रोडक्ट्स होते क्या हैं और इसको इनको सीखने के लिए क्या स्किल्स आनी चाहिए पहले? Sure, that's a great question. So first of all, to answer that question, I would like to ask you a question like, why do we learn tech? Like, what is the main purpose? So that you can add extra value to other people's life, right? So right. SaaS products help you achieve that. It enables you to add that extra value to other people's life through your products, through your websites. It can be website, it can be any tool, and people pay you for it. So it can be monthly payment, it can be yearly payment. So to give you an example, Twitter has recently launched like $9 per month subscription. So it's a type of big scale SaaS products you can say, but you can build small SaaS products by yourself, completely bootstrap, and you can try making it profitable, and you can start earning from it. And yeah, this helps you like add value to other people's life, plus you make a daily living out of it, and you do not have to do any jobs. Like if you do not like that, you can just keep earning from here itself and keep developing product and keep growing your start. Like it's a type of business completely. So there is an indie hacking community around it, and everyone tries to build profitable SaaS products, and yeah, just keep shipping. तो इन products को build करने के लिए क्या skills आनी चाहिए पहले? Sure, तो आप different type के products बना सकते हो. तो web products में specifically web products बनाता हूँ, तो उसके लिए you should know front end, फिर back end. Front end में देखा जाए तो HTML, CSS, JavaScript, React, and back end में देखा जाए तो AWS serverless. आपका स्पीड और टाइम बहुत ही बचाएगा, स्पीड इट विल इंक्रीज योर स्पीड. Node.js, एक्सप्रेस आप सीख सकते हो, आपके हिसाब से सीख सकते हो, मतलब आपने जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखी है स्पेसिफिकली फ्रंट एंड के लिए तो जावास्क्रिप्ट आपको सीखना पड़ेगा, लेकिन बैक एंड अगर आपको जावास्क्रिप्ट में नहीं करना तो आप पाइथन चूज कर सकते हो, तो आपके हिसाब से चूज कर सकते हो. द बेस्ट टेक स्टैक फॉर बिल्डिंग प्रोडक्ट्स इज द वन दैट यू नो. तो अगर आपको पहले से ही कुछ टेक स्टैक पता है और उससे आप प्रोडक्ट्स बना सकते हो तो उससे बनाने लग जाओ और वही मार्केट करो. एक कुछ नई चीज़ सीखने के लिए मत जाओ, बिकॉज लाइक यूजर्स आपका टेक स्टैक नहीं देखेंगे, आपका प्रोडक्ट देखेंगे. अगर आपका प्रोडक्ट उनके लाइफ में अच्छी से वैल्यू प्रोवाइड करता है तो दे विल बी रेडी टू पे फॉर योर प्रोडक्ट एंड दे विल सी कि आपने रिएक्ट में बनाया है कि आपने Vue.js में बनाया है। जो आता है उससे बनाओ, अगर नहीं आता तो लर्न दिस टेक स्टैक। ये टेक स्टैक सीखने के लिए अराउंड 1 ईयर लगेगा आपको, तो सीखते जाओ, प्रोजेक्ट्स बनाते जाओ एंड आफ्टर यू हैव अचीव लिटिल बिट ऑफ एवरीथिंग तो फिर SaaS प्रोडक्ट्स बनाने लग जाओ एंड ट्राई मार्केटिंग इट देन। ओके, तो आपको आपका फर्स्ट क्लाइंट, जैसे आपने बताया आपने फ्रीलांसिंग स्टार्ट कर दी थी कॉलेज डेज में, तो आखिर आपको आपका फर्स्ट क्लाइंट कैसे और कहाँ से मिला था? श्योर, तो फर्स्ट क्लाइंट मुझे मिला था अपवर्क से एंड आई रिमेम्बर इट कि वो प्रोजेक्ट के लिए एक बहुत मुश्किल से मिला था मुझे प्रोजेक्ट, क्योंकि मैं बहुत एक्सप्लोर कर रहा था और देख रहा था कि ये प्लेटफॉर्म्स चलते कैसे, हाउ टू मेक गुड प्रोफाइल्स, हाउ टू सेंड गुड प्रपोजल्स और व्हाट टाइप ऑफ प्रोजेक्ट शुड बी देयर इन योर प्रोफाइल। तो ये सब देख रहा था मैं और बहुत सारे प्रपोजल सेंड करने के बाद मुझे एक क्लाइंट मिला एंड उसने मुझे दिए अराउंड $18 और मुझे लगे थे वो $18 दिए और मुझे 14 डेज लगे थे वो कंप्लीट करने में। तो मेरा वो क्लाइंट इतना अच्छा नहीं था लेकिन आई अप्रिशिएट इट बिकॉज ही वॉज माई फर्स्ट क्लाइंट, तो बिकॉज ही हेल्प मी स्टार्ट माई फ्रीलांसिंग जर्नी। और $80 भी तब मेरे लिए बहुत ज़्यादा थे बिकॉज आई जस्ट वांटेड दैट 5-स्टार फीडबैक और फर्स्ट ईयर था, सेकेंड सेम था, तो इट वाज गुड फॉर मी, तो आई गिव माई बेस्ट इन इट। और फिर अराउंड 14 डेज के बाद मुझे उसने 5-स्टार रिव्यू दे दिया एंड ही गिव मी $18। और फिर मुझे अपना सेकेंड क्लाइंट मिला, ही वॉज डिफरेंट एंड ही पेड मी लाइक $25 फॉर लाइक 1 डे ऑफ वर्क। तो इट वॉज लाइक कंप्लीट जब लाइक ही पेड मी लाइक $18 फॉर 14 डेज ऑफ वर्क एंड अनदर क्लाइंट इज पेइंग मी अ लिटिल बिट हायर देन दैट। सो फ्रॉम देयर ऑन एस आई गॉट मोर 5-स्टार फीडबैक, तो मैंने अपने रेट्स इंक्रीज करने चालू किए एंड फिर मैंने अपनी टैक्टिक्स ढूंढे कि हाउ कैन आई चार्ज मोर टू द क्लाइंट्स एंड हाउ कैन आई कम्पीट विथ लाइक टॉप रेटेड फ्रीलांसर्स ऑन द प्लेटफॉर्म। तो मुझे कम चार्ज नहीं करना था, मुझे क्वालिटी क्लाइंट्स चाहिए थे बिकॉज लाइक जो क्लाइंट आपको $5 पे करता है वो आपको $1000 का काम करवाएगा। ऐसे भी बहुत सारे क्लाइंट्स होते हैं, दे विल एक्सप्लॉइट यू, बट द क्लाइंट हू पेज यू लाइक $500 $1000 दे आर विथ प्रीटी चिल, सो दे विल पे यू लाइक आफ्टर यू हैव कंप्लीटेड द वर्क एंड दे आर लाइक गुड। सो आई नोटिस दैट एंड आई जस्ट कीप इम्प्रूविंग। तो जैसा भी आपने बताया कि आपने बहुत सारे चीज़ों को एक्सप्लोर किया था, वेबसाइट्स को समझा था, आपने उनके एल्गोरिदम को समझा था, तो आपने आखिर ये सारी चीज़ें सीखी कहाँ से थी कि आखिर इसका एल्गोरिदम वर्क कैसे करता है, वर्क का किस टाइप से मुझे अपनी प्रोफाइल बनानी है, ऑप्टिमाइज करनी है? श्योर, तो इसके लिए बहुत सारे रिसोर्सेज है यूट्यूब पे, यूट्यूब वन ऑफ द बेस्ट रिसोर्स। फिर बाद में अपवर्क का भी खुद के रिसोर्स चैनल्स है, तो वो भी आप देख सकते हैं। प्लस यूट्यूब पे अगर आप मुझे स्पेसिफिकली पूछे तो जॉश बन टेक JOSHBURNSTECH, तो ये बहुत अच्छा चैनल है। ही हैज़ अर्न लाइक $900,000 प्लस, तो ही इज़ नाउ क्रॉसिंग ऑलमोस्ट लाइक $1 million फ्रॉम जस्ट अपवर्क इटसेल्फ और उसके बहुत सारे अलग वे ऑफ अर्निंग भी है। तो उससे मैंने बहुत कुछ सीखा और आई जस्ट इम्प्लीमेंटेड व्हाट ही सेड और मैं भी खुद एक्सपेरिमेंट करता गया कि क्या चल रहा है, अगर ये प्रपोजल चला तो ये क्यों चला। देन आई जस्ट रिपीटेड इट, लाइक आफ्टर यू गेट योर फर्स्ट क्लाइंट आपको समझ में आ जाता है कि क्या क्लाइंट को कन्विंस कर सकता है, तो आप इम्प्रूव करते जाते हो एंड नई चीज़ एक्सपेरिमेंट करते जाते हो और एंड देन यू कीप गेटिंग क्लाइंट्स लाइक। तो पहले आप कितना चार्ज करते थे एंड राइट नाउ आप कितना चार्ज कर रहे हैं सेम प्रोजेक्ट्स के लिए? श्योर, तो पहले तो मैं बहुत कम चार्ज करता था, अराउंड $15-20 मैंने स्टार्ट किया था, धीरे धीरे मैंने इंक्रीज करना चालू किया। सो नाउ आई चार्ज अराउंड $500 फॉर अ प्रोजेक्ट दैट गेट्स कंप्लीटेड इन 3 to 5 days, इतना मैं चार्ज करता हूँ। लेकिन अभी मैं बिकॉज लाइक आई एम डूइंग ए रिमोट जॉब और मुझे SaaS प्रोजेक्ट्स में बनाने, तो मैंने थोड़े फ्रीलांसिंग प्रोजेक्ट्स कम किए एंड आई एम फोकसिंग ऑन माई ओन प्रोजेक्ट्स एंड आई एम ट्राइंग टू मेक देम प्रॉफिटेबल। स्टिल आई कीप फ्रीलांसिंग ऑन द साइड जब भी मुझको टाइम मिलता है या फिर एक आधा इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट आता है। तब प्रोजेक्ट्स आपने बनाए थे वो आपने SaaS प्रोडक्ट्स ही बनाए थे या किसी और चीज़ पे भी आपने साथ में काम किया था? नहीं, तो मैं फ्रीलांसिंग जिस पे करता हूँ वो है डेटा एक्सट्रैक्शन एंड वेब ऑटोमेशन फील्ड, और जो SaaS प्रोजेक्ट्स बनाता हूँ वो वेब डेवलपमेंट फील्ड है। तो मैं डेटा एक्सट्रैक्शन वेब ऑटोमेशन के ही प्रोजेक्ट्स मैंने जो, क्योंकि मुझे उसमें फ्रीलांसिंग करनी है, तो मैं वही प्रोजेक्ट्स अपने प्रोफाइल पे डाले थे मैंने और वहाँ से स्टार्ट किया था। और मैंने वो वैसे टाइप के प्रोजेक्ट्स डाले थे जो क्लाइंट्स प्लेटफॉर्म पे पहले से पूछ रहे थे, ऐसे टाइप के प्रोजेक्ट्स। तो उनको भी ऐसे टाइप के प्रोजेक्ट्स बनाने थे खुद को, तो कि उनको एक ऑटोमेटेड बॉट चाहिए। एंड फिर मैं भी अपने आप से ऑटोमेटेड बॉट बनाता था एंड देन आई पुट इट ऑन माय प्रोफाइल। तो ऐसे ऐसे प्रोजेक्ट्स। तो फिर बाद में वो प्रोजेक्ट्स, पहले तो क्लाइंट जब इस पर आता है प्रोफाइल पे, इसी इसकी आपने सिमिलर प्रोजेक्ट्स पहले से काम किया है एंड ही गेट्स कन्विंस्ड कि यार इसने ये पहले से काम किया है तो ही विल बी एबल टू कंप्लीट माई प्रोजेक्ट्स एज वेल। और मैं वो प्रपोजल्स पे भी मेंशन करता था, तो दैट वे आई एडेड द प्रोजेक्ट्स। बट यार दिस टू फील्ड्स आई केप्ट इट कम्प्लीटली लिटिल डिफरेंट। तो आखिर आपको अपनी रिमोट जॉब कैसे मिली थी, उसकी पूरी क्या स्टोरी है? श्योर। तो ये जॉब मुझे फ्रीलांसिंग से मुझे अपनी रिमोट जॉब मिली। ये क्लाइंट जो था मेरा, तो ही वॉज माई लाइक 72nd और 73rd क्लाइंट। और मैंने अराउंड 120+ प्रोजेक्ट से पहले से ही काम किया था। सो I did not expect कि he will give me a remote job. I was just like, this is my another freelancing project and I have to give my best in it and like just expect for a 5-star review. That's what I want and yeah, so that's what I expected. But yeah, like he had already mentioned कि he is looking for a full-time role in while he was asking questions. So जब मैं proposal send कर रहा था तो उसमें mention किया था, तो but I was still like it's optional, like it's not like he will be giving me, so just I just have to give the best. So I just looked it as another freelancing opportunity, but then I gave my best in it and उसने मुझे प्रोजेक्ट दिया था। तो एक टाइम में मुझको प्रोजेक्ट कंप्लीट कर, एक सिमिलर प्रोजेक्ट मैंने पहले से कंप्लीट किए थे जो उसने मुझे दिया था। तो वो प्रोजेक्ट मुझे एक बार अराउंड 15 to 16 डेज लगे थे मुझे कंप्लीट करने में, वैसे टाइप के प्रोजेक्ट, बिकॉज उसमें कैप्चा था तो वेब ऑटोमेशन में बहुत सारी कॉम्प्लेक्सिटीज आती है। तो मैंने वो पहले से 15 टू 16 डेज में कंप्लीट किया था, लेकिन अभी मैंने उस टाइम ज़्यादा लगा था, इस टाइम मुझको वो 2 to 3 डेज में कंप्लीट हो गया, क्योंकि मुझको पहले से ही वो चीज़ें पता थी कि कैसे कैसे सॉल्व करनी है। तो दैट सेव द टाइम एंड ही गॉट रियली इम्प्रेस्ड कि यार इतना कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट सी हाउ डिड ही कंप्लीट इट इन सच अ शॉर्ट टाइम एंड ही गेव मी मोर सच प्रोजेक्ट्स एंड आई वॉज एबल टू कम्प्लीट देम एज वेल बिकॉज लाइक आई हैड कम्प्लीटेड सो मैनी प्रोजेक्ट्स। तो मुझे उसका सब पता चल गया था। So and he was looking for someone similar to complete that type of projects in their company, and so he asked me like, "Are you available for a full-time role?" And फिर बाद में फिर I said yes, like I'm available, and फिर वहाँ से negotiations start हुई and yeah, so फिर वैसे remote job मिली है। तो negotiate करने के बाद आखिर आपका package कितना है उस remote job में? Sure, तो it's currently around $4,000 per month to एंड स्टॉक ऑप्शंस वो अलग से है, तो इट विल बी वेस्टेड ओवर द पीरियड ऑफ 4 years। और फिर हाँ, सो $4,000 पर मंथ एंड फिर एक्स्ट्रा चीज़ें, तो वो ऐसा बोनस वगैरह वो तो आता रहता है। तो ये सारी चीज़ें जो आपको ऑफर मिल गया था, जो आप प्रोजेक्ट्स कंप्लीट कर रहे थे, वो आप अपने कॉलेज डेज में ही कर रहे थे? आपका कॉलेज ख़त्म हो चुका था उसके बाद? नहीं, आई वॉज डूइंग इट व्हाइल माई कॉलेज वॉज गोइंग ऑन, सो ड्यूरिंग माई कॉलेज डेज। ओके, तो आप दोनों चीज़ें मैनेज कैसे करते थे? लाइक आप प्रोजेक्ट्स भी कंप्लीट कर रहे हैं, आप कॉलेज भी कर रहे हैं, असाइनमेंट्स भी कर ही रहे होंगे आप साथ में। मैं कॉलेज तो कर ही नहीं रहा था, तो या लाइक आई वाज नॉट फोकसिंग ऑन माय कॉलेज। आई एम लकी दैट आई गॉट अ कॉलेज जो अटेंडेंस को इतना सीरियसली लेता नहीं था। और तो मतलब डांट देते थे वो, लेकिन कुछ एक्शन नहीं लेते थे। तो दैट्स व्हाट यू वांट एंड आई जस्ट फोकस्ड ऑन माई अपस्किलिंग बिकॉज लाइक यू हैव टू सेट योर प्रायोरिटीज़ कि क्या आपको चाहिए, एंड अगर आप कॉलेज इज़ नॉट प्रोवाइडिंग यू देन यू हैव टू लर्न थिंग्स ऑन योर ओन। डिग्री, आई कंसिडर डिग्री एज ऑलवेज एज एन बैकअप ऑप्शन, क्योंकि मुझे जो जॉब मिला वो बिकॉज ऑफ माई फ्रीलांसिंग स्किल्स एंड पाइथन स्किल्स मिला। तो डिग्री वॉज अ बैकअप ऑप्शन, इट गिव मी लाइक मुझे कॉलेज से भी प्लेसमेंट मिला था, लेकिन इट वॉज लाइक कंपनी मास रिक्रूटर, तो ज़्यादा पे नहीं करते एंड आई वॉज अर्निंग मोर फ्रॉम फ्रीलांसिंग। लाइक कम्प्लीटली फोकस्ड ऑन माई लर्निंग, अपस्किलिंग एंड फ्रीलांसिंग प्रोजेक्ट्स। तो अभी आपका वर्क कल्चर कैसा है कंपनी में जहाँ आप काम करते? फ्लेक्सिबल है या काफ़ी ज़्यादा आपको डेडिकेटेड रहना रहता है आपके काम के लिए? श्योर, तो मैंने क्लाइंट के साथ जिन्होंने मुझे हायर किया, ही इज़ द फाउंडर इटसेल्फ, इट इज़ अ स्टार्टअप, तो 25 to 30 मेम्बर्स इन टोटल इंक्लूडिंग मी। एंड तो मैंने 1.5 महीने काम किया था एंड द क्लाइंट वाज रियली वेरी गुड। ही वाज चिल सी, एकदम फ्लेक्सिबल है एंड ही सेज लाइक काम करो जब करो मर्जी करो कुछ टेंशन नहीं एंड he pays also really good and yeah flexible environment and the team is really very good. The main thing is like मुझे सीखने को बहुत कुछ मिल रहा है यहाँ पे startup में. I did not expect कि इतना सीखने को मिलेगा but so I am very really happy कि अलग अलग चीज़ें सीखने को मिली and yeah लेकिन बहुत सारे time mostly it's chill flexible लेकिन जब आपको features push करने पड़ते और अगर आप एक दिन आलस कर लिए हो तो दूसरे दिन आपको थोड़ा ज़्यादा काम करना पड़ता है तो है थोड़ा सा मतलब लेकिन स्टिल इट्स वेरी फ्लेक्सिबल इट्स वेरी चिल. जब आपको काम करना है तब काम करो. तो मैं अराउंड 11 to 5 to 6 काम करता हूँ. तो जब आपने अपवर्क से आपको आपका फर्स्ट क्लाइंट मिला था उससे पहले भी आपने कुछ ट्राई किया था लाइक आपने कुछ लिंक्डइन से आपने कुछ क्लाइंट्स लिए हों या आपने फाइवर पे ट्राई किया हो या सीधा आप अपवर्क पे गए थे एंड आपको आपका फर्स्ट क्लाइंट मिल गया कुछ दिनों बाद ही? नहीं, मैं फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स बहुत सारे एक्सप्लोर कर रहा था एंड सो अदर फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स और फाइवर एंड freelancer.com. तो मैंने फाइवर पे भी प्रोफाइल बना के रखी थी लेकिन मेजरली मैं अपवर्क पे फोकस कर रहा था. और जब मेरा अपवर्क चल गया जब मुझको क्लाइंट्स आने लग गए तो देन आई स्टार्टेड फोकसिंग ऑन फाइवर कि यार फाइवर पे भी अगर ऑफर कभी कभी बंद पड़ गया तो आई शुड कीप गेटिंग क्लाइंट्स फ्रॉम फाइवर. तो मैंने फाइवर स्टार्ट किया. फाइवर पे भी अब फाइवर की भी अलग ट्रिक्स है कि अगर आप वीडियो इंट्रो डालोगे तो पीपल विल क्लिक मोर ऑन योर प्रोफाइल एंड दे विल कॉन्टेक्ट यू. तो ऐसे ऐसे चीज़ें इस्तेमाल किया एंड फ्रॉम देयर ऑल्सो आई स्टार्टेड गेटिंग क्लाइंट्स. द थिंग इज लाइक विथ अपवर्क यू गेट मोर हाई पेइंग क्लाइंट्स तो वो ज़्यादा पे करते आपको फिर बाद में चिल क्लाइंट से. फाइवर पे ये चीज़ है कि आपको थोड़ा कम प्राइस वाले मिलेंगे लेकिन क्वांटिटी ऑफ प्रोजेक्ट्स बहुत सारे होते हैं कि बहुत सारे क्लाइंट्स आपको कांटेक्ट करेंगे और यू कीप गेटिंग क्लाइंट्स लाइक आफ्टर यू अचीव लाइक लेवल 1 फाइवर स्टेटस. तो वो अलग अलग फ़ायदे हैं दोनों इसके. तो अभी मैं आपको एक सिचुएशन देती हूँ. अगर आपको फिर से ज़ीरो से स्टार्ट करना पड़े एंड अगेन आप फर्स्ट ईयर ऑफ कॉलेज में हैं बट आप 2023 में बैठे हुए हैं तो आप फिर से कैसे ज़ीरो से स्टार्ट करते हैं? आप क्या क्या चीज़ें करेंगे? दैट्स अ रियली गुड क्वेश्चन. तो मैं ज़्यादा चीज़ें चेंज नहीं करूँगा. फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मुझको रोड मैप चाहिए तो मैं पहले पाइथन सीखूँगा. आई विल गिव 70 to 80% ऑफ माई टाइम इन लर्निंग एंड अपस्किलिंग और जो एक्स्ट्रा 20% टाइम है तो वो मैं अलग अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढने के लिए लगाऊँगा कि फ्रीलांसिंग हो गया फिर ओपन सोर्स कॉन्ट्रीब्यूशन हो गया फिर SaaS हो गया. तो ऐसे अलग चीज़ें ढूंढूँगा और एक्सप्लोर करूँगा एंड विल सी कि कौन सा मुझे ज़्यादा इंटरेस्ट करता है एंड आई विल स्टार्ट लर्निंग मोर अबाउट दैट. सेकेंड थिंग इज़ लाइक पाइथन में भी बहुत सारे फील्ड्स हैं तो मैं उन सबको एक्सप्लोर करूँगा 1 by 1 अराउंड 10+ फील्ड्स है तो उनमें हर एक फील्ड में शायद मैं एक प्रोजेक्ट बना लूँगा एंड फिर आई विल सी कि वॉट इज़ द विच फील्ड आई इज़ मच मोर इंटरेस्टेड टू मी. तो मुझे तो डेटा एक्सट्रैक्शन वेब ऑटोमेशन फील्ड बहुत इंटरेस्टिंग लगी तो मैं उसमें जाके एक्सपर्टाइज लूँगा. एंड ऑल्सो आई विल सी कि जो मैं डेटा एक्सट्रैक्शन वेब ऑटोमेशन फील्ड ले रहा हूँ तो मुझको उसमें पैशन तो है इट्स रियली इंटरेस्टिंग फील्ड लेकिन उसके लिए डिमांड है क्या मार्केट में. तो अपवर्क पे जाऊँगा कि सी की कैसे कैसे टाइप्स के प्रोजेक्ट्स उस फील्ड में आ रहे क्लाइंट्स पोस्ट कर रहे हैं और फिर वो टाइप के प्रोजेक्ट्स में खुद से बनाने का ट्राई करूँगा और फिर वो बनाने के बाद मैं अपने प्रोफाइल पर डालूँगा. फिर आई विल सी कि हाउ टू सेंड गुड प्रपोजल्स हाउ टू कन्विंस द क्लाइंट. और फिर उसके बाद जब फ्रीलांसिंग या फिर कुछ चलने लग जाए देन आई विल मूव टू लाइक आई हैव गॉट वन इनकम सोर्स नाउ. फिर आई विल सी कि व्हाट इज़ माई लॉन्ग टर्म गोल. माई लॉन्ग टर्म गोल इज़ बिल्डिंग SaaS प्रोडक्ट्स एंड ट्राइंग टू मेक देम प्रॉफिटेबल. तो फिर मैं SaaS कैसे बनता है वो सब देखने लग जाऊँगा. द थिंग आई विल चेंज इज़ कि मैंने बहुत सारा टाइम सीखने में लगा दिया वेब डेवलपमेंट तो वो मैं कम कर दूँगा एंड आई विल ट्राई टू बिल्ड SaaS प्रोडक्ट्स एज फास्ट एज पॉसिबल. तो मैं 1 साल अराउंड लगा हुआ सीखने के लिए HTML CSS JavaScript फिर React हो गया. फिर मैं बैकएंड में चला जाऊँगा. हर एक इसमें एक प्रोजेक्ट छोटा छोटा प्रोजेक्ट बनाऊँगा. फिर बैकएंड में जाके AWS सर्वरलेस सीखूँगा. फिर बाद में Node.js Express सीखूँगा DynamoDB डेटाबेस वो सब देखूँगा एंड आई विल स्टार्ट मेकिंग प्रोजेक्ट्स. और फिर मैं वो देखूँगा कि लोगों को कैसे प्रोजेक्ट्स हेल्प कर सकते हैं तो कैसे हाउ दे कैन ऐड वैल्यू हाउ माई प्रोजेक्ट्स कैन ऐड वैल्यू टू देयर लाइफ और किस प्रोजेक्ट्स के लिए लोग पे करेंगे. तो 2 SaaS प्रोडक्ट्स बनाने के बाद आई कैन सी कि पीपल वो प्रोडक्ट्स के लिए पे करते हैं जो उनका प्रॉब्लम सॉल्व करता है. जो नाइस टू हैव प्रोडक्ट्स है उनके लिए लोग 10 बार सोचेंगे पे करने से पहले, लेकिन अगर आप बड़ा प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो तो दे विल बी रेडी टू पे यू। तो वैसे प्रोजेक्ट्स बनाऊंगा जो प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, एंड आई विल जस्ट कीप मेकिंग प्रोजेक्ट्स एंड मार्केट देम on social media, Twitter, LinkedIn and other platforms as well. And शायद मुझको around 20 to 30 projects बनाने पड़े, लेकिन उसमें से एक भी चल गया तो I will know कि it will like change my life. So I will just keep making projects. तो जैसा भी आपने बताया कि आप data extractions में हैं, automation में हैं and आप SaaS products पे भी काम करते हैं, तो दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। Correct. तो फिर आपने कैसे फाइंड किया था कि इन दोनों चीज़ों में मुझे इंटरेस्ट है, और इसके बारे में आपको पता कैसे चला था आखिर? सो डेटा एक्सट्रैक्शन से मुझे इतने उम्मीदें नहीं थी जी टू गिव मी रिमोट जॉब एंड वेब ऑटोमेशन, तो आई जस्ट डिड इट फॉर इंटरेस्ट, क्योंकि मुझको बहुत अच्छा लगा था वो कि मैं कुछ प्रोग्राम बना रहा हूँ और वो वेबसाइट पे जाके ऑटोमेटिकली सब डेटा एक्सट्रैक्ट करना है। अराउंड 1000s ऑफ रोज ऑफ डेटा, समटाइम्स इवन मिलियंस ऑफ रोज ऑफ डेटा वो एक्सट्रैक्ट करना है। मैं बॉट बना रहा हूँ तो 1 क्लिक ऑफ अ बटन सब ऑटोमेटिकली हो रहा है, तो आई फाउंड इट रियली इंटरेस्टिंग, इसलिए मैंने मेजरली स्टार्ट किया। और मैं जब अपवर्क पे था कि मुझे कुछ ना कुछ फ्रीलांसिंग स्टार्ट करनी ही थी, तो मैंने नोटिस किया कि ये टाइप के प्रोजेक्ट्स बहुत क्लाइंट को चाहिए कि एवरीडे क्लाइंट्स आर पोस्टिंग फॉर दिस टाइप्स ऑफ जॉब्स। तो आई सॉ कि चलो करते ये साइड बाय साइड, बट माई मेन गोल वॉज लाइक ऑलवेज कि कुछ ऐसा खुद का बनाना है फ्रॉम द थिंग्स आई एम लर्निंग दैट कैन एड वैल्यू टू अदर पीपल्स लाइफ एंड आई कैन मेक अ लिविंग आउट ऑफ इट। सो दैट्स ऑलवेज बीन माई फर्स्ट goal from the moment I started learning programming. Thank you Swapnil, आपने I think सारे questions का answer कर दिया है। I hope हम फिर से मिलेंगे और फिर से जल्दी एक podcast shoot करेंगे। Sure, definitely. Thank you so much Anchal for inviting me. It was great chatting with you.